के जिज्ञासु, आज मैं आपके समक्ष साप्ताहिक राशि भविष्य के संदर्भ में, मासिक राशि भविष्य के संदर्भ में नवंबर 2020 का धनु राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा वो दर्शाने जा रहा हूँ। धनु राशि वालों के लिए, धनु राशि का स्वामी होता है गुरु, और गुरु इस समय वर्तमान में धनु राशि पर ही चल रहे हैं, और 20 नवंबर से यही गुरु आपके दूसरे स्थान पर पहुंचने वाले हैं, यानी मकर राशि पर जाएंगे, जो कि नीच राशि है मकर की। मकर राशि जो है तो गुरु की नीच राशि है, तो नीच राशि पर जो देखिए शनि वहां पर बैठे हैं, तो नीच भंग राजयोग में जाने वाले हैं। गुरु नीच नहीं रहेंगे, वो शनि के साथ पहुंचने के बाद नीच भंग राजयोग बनना है। तो वहाँ से आपके धनु राशि वालों का जो समय बहुत समय से बिगड़ा हुआ चला रहा है, वो अब सुधरने की स्थिति बनने जा रही है। धनु राशि वालों को अब चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु आपके राशि के स्वामी हैं। वो अगर अनुकूल हो गए तो आपको अपार भंडार भी भर देंगे, शत्रु बाधा दूर कर देंगे, और आपके ज्ञान में प्रशंसा करेंगे, धन योग में एक प्रशस्तिकरण बनाएंगे, और कुटुंबी जनों का भरपूर सहयोग मिलेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा जब दूसरे स्थान पर गुरु जाएंगे। यद्यपि वो नीच राशि के हैं, लेकिन नीच भंग राज्यों में जा रहे हैं, इसलिए अच्छा ही फल देने वाले बनेंगे। अब से 20 नवंबर से 20 नवंबर तक आपके गुरु आपकी राशि पर ही चल रहे हैं, तो महान चिंता कारक बने हुए हैं। आपको ये गुरु बहुत अच्छा नहीं है इस समय। 20 तारीख तक आपको धनु राशि वालों को अनेक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। 20 तारीख के बाद में सब प्रकार से सेठ होने वाले हैं, और मंगल देव आपकी धनु राशि से मकर, यानी आपकी धनु मकर कुंभ में चौथे स्थान पर मंगल देव है, वो मीन राशि पर चल रहे हैं, बकरी चल रहे हैं, ये भी आपके लिए कष्टदायक है। चौथे मंगल जो है, तो एक तो मंगल खराब चौथे, और दूसरा बकरी और हो गए, तो करेला और नीम पर चढ़ गया, दोनों प्रकार से कड़वाहट देने वाले हैं, दोनों प्रकार से अशांति दे रहे हैं मंगल देव। इन मंगल को और विशेष मंगल वाले बनाने वाला समय 14 तारीख तक है। 14 नवंबर तक ये मंगल आपके चतुर्थ है, सुख में बाधा पहुंचाएंगे वाले हैं। माता भवन भूमि वाहन इष्ट मित्र इन सबको हम सबको के द्वारा कष्ट देने वाले होंगे। साथ साथ में कर्म स्थान के पर दृष्टि जा रही है, लाभ स्थान पर दृष्टि जा रही है, तो इसी लाभ स्थान भी आपका अनुकूल 14 तारीख तक नहीं रहेगा, और कर्म स्थान भी आपका 14 तारीख तक बिगड़ा रहेगा। इस प्रकार से यही मंगल जब 14 तारीख का पांचवें स्थान पर पहुंच जाएंगे, पांचवें स्थान पर जब पहुंचे आपकी राशि से पांचवें हैं और मेष राशि पर जाएंगे। मेष राशि मंगल की स्वयं की राशि है, इसलिए इस समय आपको विशेष करके मंगल से संबंधित सब कार्य अच्छे होने लगेंगे। संतान को कष्ट अवश्य होगा, लेकिन साथ साथ में आपके जो भूमि संबंधी कार्यों में लाभदायक सिद्ध होंगे। जमीन से संबंधित जो लोग कृषक जन हैं, अथवा जो जमीन से संबंधित ठेकेदार हैं, या जमीन से संबंधित जो कार्य कर रहे हैं, माइनिंग का कार्य करने वाले हैं, उनके लिए लाभान्वित होने का समय आपका 14 तारीख से आ रहा है, 14 नवंबर से, क्योंकि मंगल मार्गी होकर के और मेष राशि पर जा रहे हैं। मेष राशि पर स्वयं की राशि पर कोई ग्रह जाता है तो उत्तम फलदायक होता है, इसलिए आप बिल्कुल चिंता न करें। ये समय आपका पूरा नवंबर मास आपका आ गए 14 तारीख के बाद अच्छा सुधरने वाला है। सूर्यदेव अभी नीच राशि के चल रहे हैं, आपकी राशि से 11वें भाव में है, धनु राशि से 11वें भाव में सूर्य है, और जो कि नीच राशि के हैं, नीच राशि के दो ग्रह चल रहे हैं, एक तो शुक्र नीच राशि पर चल रहे हैं, और दूसरा जो है तो आपके सूर्यदेव नीच राशि पर चल रहे हैं, तो दोनों ग्रह आपके लिए हानिकारक हैं। 11वें स्थान पर लाभ स्थान पर बैठने से क्या होता है, लाभ का मात्रा को बिगाड़ रहे हैं सूर्य, गवर्नमेंट से संबंधित होने वाली कार्यों में बाधा पहुंचा रहे हैं, और स्त्री जाति के लिए भी ये
दसवें हो जाएंगे, स्त्री जाति के लिए वो दसवें हो जाएंगे, वो नीच राशि के हैं, इसलिए कर्म स्त्री जाति जो कर्म का क्षेत्र में लगी हुई हैं महिलाएं, उनके लिए कष्टदायक है, उनके लिए थोड़ा सहजकारी नहीं रहे, कर्म क्षेत्र में कुछ बिगाड़ की स्थिति बन सकती है। ये शुक्रदेव और बुधदेव आपकी राशि से ग्यारहवें हैं, तो व्यापारी वर्ग के लिए बहुत ही उत्तम फलदायक हैं। आप जो भी व्यापार कर रहे हैं उस व्यापार में आपको अनेक प्रकार के स्रोत बनेंगे, अनेक प्रकार के लाभ होंगे। जहाँ जो भी व्यापार कर रहे हैं वो व्यापारी वर्ग के लिए उत्तम फल है, नए नए स्रोत बनेंगे, नए नए व्यापार खुलेंगे, उसमें लाभान्वित होने का समय भी आ रहा है नवंबर मास में। और राहु देव आपकी जो धनु राशि है, धनु राशि से धनु मकर कुंभ मीन मेघ और वृक्ष, यानी आपके छठवें स्थान पर जा रहे हैं। छठवें स्थान के जो राहु है क्या करते हैं, रोग और शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं, यानी रोगों का विनाश होगा, जो पुराने रोग हैं वो नष्ट हो जाएंगे और शत्रु जो आपकी बाधा पहुंचा रहे हैं वो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन गुप्त शत्रु गुप्त रोग आपको स्थायी कुछ न कुछ रहेंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। और मामा के लिए मामा के परिवार में थोड़ा कष्ट का समय आ सकता है, इसका भी विशेष ध्यान देना है। इस प्रकार से ये अच्छा राहु देव कलाने वाले हैं। और शनिदेव आपकी राशि धनु से दूसरे स्थान पर पहुँच चल रहे हैं, जो कि भवन में वाहन में ऐसो आराम सुख सुविधाओं में बाधा पहुंचा रहे हैं, साथ साथ में आयु की वृद्धि में घातक बने हुए हैं और आपके लाभ मार्ग में भी ये अवरोधक हैं। बड़े भाई बहनों के द्वारा होने वाला लाभ उसमें रुकावट कर रहे हैं और जो होने वाला जो लाभ है उसमें बाधाएं आ रही हैं और बड़े भाई बहनों का विरोध का सामना करना पड़ रहा है, इसका विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि आपका जो शनिदेव हैं, शनिदेव आपके जैसे और क्या कर रहे हैं, शनिदेव आपके छोटे भाई बहनों के लिए भी कष्टदायक बने हुए हैं, इसका भी विशेष ध्यान देना है। आपके पराक्रम को शिथिल कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं उसका लाभ नहीं मिलने वाला है और उसमें विपरीत प्रभाव दिखने वाला है। इस प्रकार धनु राशि वालों के लिए ये मंगलमय समय कब आने वाला है और कब खराब जाने वाला है, तो आपका मंगलमय समय 14 तारीख के बाद मंगल परिवर्तन होंगे, उस समय आपका अनुकूल समय आ जाएगा। और 20 तारीख को गुरु का परिवर्तन होगा, उस समय आपको बहुत बहुत अच्छा समय आने वाला है। अभी भी आपका समय तो अनुकूल चल रहा है, लेकिन कर्म की चिंता बनी हुई है, कर्म क्षेत्र में आपको बाधाएं आ रही हैं, इतना विशेष ध्यान रखते हुए ये पूरा मंगलमय आपका महीना बीतेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ